तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट करने की ऐप बना ली थी और इसको हमने फंक्शन इस्तेमाल करके हमने बनाया था और हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी कि फंक्शन की क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है और क्यों हम जो काम बगैर फंक्शन के भी किया जा सकता है उसको हम फंक्शन के साथ क्यों करते हैं। हमने देखा था कि रीयूजेबल होते हैं फंक्शन, फंक्शन से जो ब्लैक बॉक्सिंग हो जाती है यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती है और अगर फंक्शन में चेंज करना पड़े तो एक ही जगह चेंज करते हैं सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर हमने लास्ट में ये भी देखा था कि फंक्शन जो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन हम खुद नहीं लिखते हैं बल्कि हम फंक्शन की जो लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज लोगों ने लिखी हुई हैं, वो असल में क्या होती हैं लाइब्रेरी के बहुत सारे फंक्शन एक जगह कर दो तो लाइब्रेरी बन जाती है। तो हम खुद फंक्शन नहीं लिख रहे होते हैं, ज़्यादातर फंक्शन हम लाइब्रेरीज से इस्तेमाल में आते हैं। बहुत कम ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम खुद लिखते हैं, जैसे कि सबमिट का फंक्शन जो है ये हमें खुद ही लिखना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट परसेंटेज ये फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइब्रेरीज से उठा के लेकर आएंगे। अच्छा, फंक्शन में हमने और क्या क्या देख लिया था? हमने फंक्शन में ये देख लिया था कि इसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स इनपुट लेता है उसको कैलकुलेट करके और फिर कोई ना कोई इसकी रिटर्न वैल्यू होती है लास्ट में, तो ये चीज़ें हमने सारी देख ली थी। इसके अलावा हमने क्या देख लिया था, फंक्शन का नाम कैसे रखते हैं, क्या लीगल इलीगल है, फंक्शन के पैरामीटर के नाम जो है वो भी उसमें क्या नाम रख सकते हैं, हम जो वेरिएबल के नाम होते हैं वही नाम रख सकते हैं, कोई और नाम नहीं रख सकते इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको नंबर से शुरू करूंगा तो ये एरर है क्योंकि नंबर से नहीं शुरू हो सकता एक वेरिएबल का नाम। माइक में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, अच्छा, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि ये परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला जो ऐप है ये आप सब लोग अपने हाथ से लिख लीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कोड आप सब लोगों ने अपने हाथ से लिखा होगा। अच्छा, कोड लिखने के दौरान या ये जब आपने ऐप बनाई तो आपके जहन में अगर कोई सवालात आए हैं तो वो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, अभी मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? जी अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो पहले से थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जिनको आती है, क्या वो इस पे अपना कोई ओपिनियन देना चाहेंगे? व्हाट डज इट मीन बाय अ फर्स्ट क्लास सिटीजन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसे कि वेरिएबल फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं, जावास्क्रिप्ट में मैंने ये स्टेटमेंट दी कि फंक्शन भी फर्स्ट क्लास सिटीजन, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट क्लास सिटीजन, व्हाट डज इट मीन टू बी अ फर्स्ट क्लास? कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा इस पर? हाँ, चेंज नहीं हो सकता, नहीं वेरिएबल तो चेंज हो जाता है ना, वैल्यू चेंज हो जाती है वेरिएबल की, नाम उसका नहीं ऐसा नहीं है। तीन ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो अगर किसी भी एंटिटी में मौजूद हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एंटिटी में अगर वो तीन क्वालिटीज़ मौजूद हो तो हम उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं। अच्छा, क्या है वो क्वान्टिटीज़? नंबर एक ये कि उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सके, सही है। नंबर एक क्या है कि उसको वेरिएबल में स्टोर किया जा सके, जैसे नंबर है, स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, इसी तरह फंक्शन को भी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
ठीक है। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस में ये नहीं किया जा सकता, मतलब ज़्यादातर लैंग्वेजेस में फंक्शन इज नॉट अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, जावास्क्रिप्ट में लेकिन है। तो नंबर एक क्या हुआ कि वेरिएबल में स्टोर किया जा सके, मतलब ये हुआ कि फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे बोल दूँ ना, मैं कहूँ लेट ए बी सी इक्वल्स टू फंक्शन, तो ये ए बी सी के अंदर भी ये स्टोर भी हो गया फंक्शन, एक तो अपने नाम से कॉल हो गया ये, दूसरा ए बी सी में ये स्टोर भी हो गया। अगर मैं इसमें से नाम हटा भी दूँ तो चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन बना के मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर। वेल, अभी हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे मजीद कि वेरिएबल में स्टोर करने का क्या चक्कर है। बाय द वे, ES6 में ना ये नेम्ड फंक्शन ख़त्म हो गए हैं, ES6 में वेरिएबल में ही स्टोर होते हैं फंक्शन, ठीक है। ये ES5 है, अभी ES6 वाला हमने डिस्कस नहीं किया, वो करेंगे थोड़ी देर में, तो ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। शुरू दिन से जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ अलाउ है। नंबर दो, कि कोई एंटिटी फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास की जा सके और उसमें से रिटर्न किया जा सके, जैसे नंबर है या स्ट्रिंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन में पास कर सकते हैं ना एज अ पैरामीटर, ठीक है। मैंने दो नंबर को पास किया एज अ पैरामीटर और उन दोनों को प्लस करके एक तीसरा नंबर बना और नंबर को मैंने रिटर्न करवा दिया, तो नंबर क्या हुआ, फर्स्ट क्लास सिटीजन, क्योंकि नंबर वेरिएबल में स्टोर होता है, फंक्शन में पास भी हुआ रिटर्न भी हुआ। इसी तरह स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल में भी स्टोर होता है, फंक्शन में पास भी होता है, फंक्शन में एज अ पैरामीटर में ले लूँ तो मना तो नहीं है, फंक्शन में एज अ पैरामीटर मैंने स्ट्रिंग को ले लिया, अंदर कुछ प्रोसेस किया, स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग एक ऐसी एंटिटी है जिसको मैं ये तीनों काम कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को भी आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं और किसी फंक्शन में से एज अ वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन को। वो अभी तक हमने किया नहीं है कि फंक्शन को एज अ पैरामीटर कैसे पास करते हैं और कैसे रिटर्न करते हैं और कब और क्यों करते हैं, ठीक है। यही आप दोस्त ने सवाल पूछा था कि सर सम टाइम ऐसा होता है कि फंक्शन को हम कॉल नहीं करते बल्कि किसी जगह एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनका सवाल था, इस पर मुझे बात याद आ गई। अच्छा, बाय द वे, मैं सवाल इसीलिए करने के लिए आप लोगों को कहता हूँ, देखें मेरा प्रोग्रामिंग में ना, इन जनरल प्रोग्रामिंग में मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो जाहिर है मुझे बहुत सारा, मेरे पास ऐसा भी डेटा है जो बुक्स में आमतौर पर आपको नहीं मिलता, ठीक है। या बुक में वो किसी कोने में लिखा हुआ होता है, वो आपको पता ही नहीं चलता कि ये रियल लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आप सवाल पूछेंगे ना, तो मैं आपको बहुत सारी वो चीज़ें भी बताऊँगा जो बुक्स में आमतौर पर आपको नहीं मिलती, आमतौर पर क्लासेस में भी डिस्कस नहीं की जाती, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि सवालात पूछने में आप कंजूसी ना किया करें, हुस्न सवाल आधा इल्म है, अच्छा सवाल पूछना ही आधा इल्म है, ठीक है। जवाब तो ढूंढ ही लेता है बंदा, अच्छा सवाल पूछना जो है ना वो असल बात, क्योंकि सवाल ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अभी मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं सूझ रही भाई दादा, लेकिन चले एक फ़कीर की मिसाल लें आप। एक फ़कीर आया, उसने बोला कि अल्लाह के नाम पर 10 का नोट दे दो मुझे, तो हो सकता है आप 10 का नोट दे दें, हो सकता है आप 5 रुपये दे दें या 2 रुपये दे दें, हो सकता है आपके पास ज़्यादा मूड अच्छा हो आपका तो आप 20 रुपये दे दें। ये लिमिट सेट हो गई, ये लिमिट कैसे सेट हुई, उसके सवाल की वजह से, उसने सवाल ही ये किया। अच्छा, एक दफ़ा मैं गुजर रहा था, ये क्लिफ्टन में एक सिग्नल आता है एग्जैक्ट के सामने वाला, वहाँ से गुजर रहा था, तो एक फ़कीर आया, औरत थी वो, उसने कहा अल्लाह के नाम पे 10,000 दे दें। मैंने ऐसा देखा, कह रही है मेरे घर पे राशन नहीं है, पता नहीं क्या किया, लंबी थी उसने, तो उसने सवाल ही 10,000 का किया, ठीक है। तो साइंस में भी क्या होता है कि आपका जो सवाल होगा ना, रिजल्ट आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है, आपको उससे बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन होगा उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सवाल बड़ा होना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट भी कुछ बड़ा ही मिले। अब मिसाल के तौर पे उसने 10,000 बोला ना जैसे ही, तो मैंने कहा यार 10 का नोट तो मैं नहीं दूंगा इसको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 10 का नोट अगर मैंने दिया ना तो उसने वापस मेरे मुँह पर मारना है, तो मैंने कहा यार माफ़ करो, ठीक है। तो ये भी उसके सवाल का कॉन्सिक्वेंस था कि 10 रुपये आने वाले भी गए,
ये भी उसके सवाल का ही कॉन्सिक्वेंस था। तो सवाल बहुत मैटर करता है साइंस में, ठीक है, सवाल की बड़ी साइंस है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुस्ने सवाल आधा इल्म, ये निफ्स की हदीस कहलाती है। इसमें तीन चीज़ों का जिक्र है, वो बाकी दो मैं भूल गया हूँ, ये लेकिन मुझे याद है। तो क्या मैं डिस्कस कर रहा था कि फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास किया जा सकता है और किसी भी फंक्शन में से एज अ वैल्यू रिटर्न किया जा सकता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने ये फंक्शन तैयार कर लिया या किसी लाइब्रेरी से फंक्शन लेकर आया, आप उसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर लेके, वो अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा डिटेल में आपको जब बात पता चलेगी जब आप किसी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क पे जब आप, अभी तो हमने प्लेन जावास्क्रिप्ट पे काम किया ना, जब आप फ्रेमवर्क पे काम करते हैं यूआई का फ्रेमवर्क हो या सर्वर का फ्रेमवर्क हो, तो उसमें ये चीज़ कसरत से नज़र आती है कि फंक्शन बनाते आप हैं लेकिन आप उसको कॉल नहीं करते, आप उसको पास कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे इसका आंसर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि फंक्शन को कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जब हम फंक्शन को फंक्शन में पास कर देंगे या कहीं से वैल्यू के तौर पर रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। इस सवाल का जवाब देना अभी मुश्किल रहेगा, लेकिन होपफुली बहुत जल्दी हम सर्वर के फ्रेमवर्क्स पे मूव करेंगे, हम रिएक्ट पे मूव करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फ़ौरन देखने को मिलेगी अपने सामने कि फंक्शन बनाएंगे तो आप लेकिन कॉल उसको आप नहीं करेंगे। और वहाँ पे फिर उस पॉइंट पे जाके हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम खुद क्यों नहीं कॉल कर रहे, उसको क्यों थमा देते हैं कि वो कॉल करें, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पर। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी अभी जहन में बात आ गई तो मैं दो जुमले बता देता हूँ उस बारे में भी। एक होती है प्योरिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, कि कोई फंक्शन कितना प्योर है। कोई इस बारे में अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ फंक्शन, व्हाट डज इट मीन बाय प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी बात है, जो आपको पता हो तो आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प आउट करती है समटाइम। व्हाट डज इट मीन बाय प्योर फंक्शन। एक तो होता है ना प्योर घी, प्योर देसी घी, उसका मतलब क्या होता है कि इसको जो गाय का या भैंस का दूध है उसी से ही तैयार किया गया है, इसमें एक्सटर्नल कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की हुई है। कोई भी चीज़ जो प्योरिटी होती है उसकी, उसका मतलब यही होता है आम लाइफ में, ठीक है। प्योरिटी तो सबको पता है ना अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, तो प्योर फंक्शन अब ज़रा कोई ओपिनियन देना चाहे अगर किसी को पता हो। देखो, ये मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए करता हूँ ताकि क्लास में अगर कोई चालाक बंदा बैठा हुआ है या कोई बंदा है जिसको आता है तो वो निकल के सामने आए, हमें पता चले, ठीक है, वरना तो किसी को क्या आता है नहीं आता वो तो पता ही नहीं चलेगा आपको। और पता चले फिर उसके आगे का भी प्रोसेस है, फिर हमें जब पता चल जाएगा कि अच्छा है इस बंदे को आता है तो फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से उसको क्लास में यूज़ करेंगे, उसकी नॉलेज को, उसके उसकी जो क्या कहते हैं अकल को हम क्लास में यूज़ करेंगे, उसको खड़ा करेंगे कि वो दूसरे लोगों की हेल्प करें, ठीक है, क्योंकि वो तो क्लास में बैठा बोर हो रहा है ना। फिर अगर उसको ये चीज़ें पता है पहले से तो वो क्लास में बोर हो रहा है बैठा हुआ, तो उसकी बोरियत भगाने का कोई इंतज़ाम करेंगे, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो प्योरिटी ऑफ फंक्शन बताता हूँ क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर टोटली अपने पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है तो वो कहलाएगा प्योर फंक्शन, और अगर वो अपने पैरामीटर्स के अलावा भी किसी चीज़ पर डिपेंड करता है तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर। जी दोस्त, अच्छा अभी भेज देता हूँ दो मिनट में। अच्छा, जैसा कि ये कैलकुलेट परसेंटेज का फंक्शन ज़रा देख के मुझे बताएं कि ये जो दो पैरामीटर हैं इसके, इसके अलावा किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करता है क्या? ये किस पर डिपेंड करता है? इस पर 100। चलो मैं अपना सवाल थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से पूछता हूँ। अच्छा, अगर तो ये अपने पैरामीटर पर डिपेंड करता होगा तो इसका मतलब ये है कि दो नंबर जब मैं उसको दूंगा ना, ये दो पैरामीटर में दो नंबर दूंगा, तो मैं जितनी दफ़ा भी कॉल करूँ ना, अगर पैरामीटर सेम रहेगा तो रिजल्ट भी सेम आएगा, ठीक है। प्योर फंक्शन में असल में जब पैरामीटर पर ही सिर्फ डिपेंडेंट है, यानी उसके पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने दिया है एक में 100 और दूसरे में भी 100, दो नंबर या कोई भी नंबर दे दिया, एक में 800 दे दिया एक में 500, तो मैं जितनी बार भी कॉल करूंगा सेम पैरामीटर के साथ इसका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो
तो अब मुझे बताओ कि क्या ये अगर मैं एक ही नंबर देता रहूँ बार बार तो इसका रिजल्ट सेम आएगा या कभी अलग भी हो सकता है? सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटली अपने पैरामीटर पर डिपेंड करता है। या और सिंपल कर लेते हैं, एक फंक्शन है जो दो नंबर इनपुट लेता है, दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देता है, तो क्या मैं उसका पैरामीटर अगर एक ही पैरामीटर देके बार बार कॉल करूँ तो क्या कभी भी उसका रिजल्ट चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली अपने पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, वो किसी एक्सटर्नल वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब इमेजिन करो वही फंक्शन है, लेकिन मैंने बोला दो नंबर इनपुट लेता हूँ मैं, दोनों को प्लस करेगा और मल्टीप्लाई किससे करेगा? अभी जो सिस्टम में टाइम हो रहा है ना उससे मल्टीप्लाई करेगा। अब क्या होगा? अब मैं सेम पैरामीटर रखूँगा, कॉल करूँगा, तो हर दफ़ा अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिस्टम का टाइम तो चेंज हो रहा है और वो फंक्शन के अंदर वो मौजूद भी नहीं है, वो फंक्शन से बाहर की चीज़ है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे दो इन नंबर लेता है, दोनों को प्लस करता है, फिर एक इंटरनेट पे एक एपीआई कॉल करता है और उससे जो रिजल्ट आता है ना उससे उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है। तो इंटरनेट पे जो कॉल कर रहा है उसका हमें पता नहीं है, हो सकता है हर दफ़ा वो सेम डेटा दे, हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर गेट करता है कहीं से कि यार अभी रूम का टेम्परेचर क्या, उससे डिवाइड माने, तो रूम का टेम्परेचर हो सकता है तीन चार घंटे तक तो सेम रहे लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी चेंज भी हो जाएगा, ठीक है, या कभी नहीं भी चेंज हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बाहर वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, लेट बना हुआ है एक ऐसे डिव करके एक बनाया हुआ है मैंने, दो नंबर यहाँ पे इनपुट लेता है वो और उसके बाद डिव से उसको डिवाइड मारता है। डिव कहाँ है? फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन से बाहर है। अच्छा जी, दो ये डिव जो है वैसे तो मुझे पता है चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कोई इसको चेंज भी कर सकता है डिव, क्योंकि फंक्शन से बाहर है ना ये, तो फंक्शन से बाहर मौजूद किसी भी वेरिएबल पे, चाहे वो सिस्टम का टाइम हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे वो इंटरनेट की कॉल हो, उस फंक्शन की बॉडी से बाहर के किसी भी वेरिएबल पे अगर वो डिपेंडेंट है तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया जाता है कि फंक्शन क्या होने चाहिए? प्योर होने चाहिए। फंक्शन क्या होने चाहिए? प्योर होने चाहिए, ठीक है। प्योर फंक्शन प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्योर फंक्शन थोड़े फास्ट होते हैं, क्योंकि जाहिर है इंटरनेट पे अगर कॉल लगेगी तो हमें थोड़ी पता है कितना टाइम लगेगा वापस आने में रिस्पॉन्स, तो वो प्रिडिक्टेबल होते हैं और वो फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं। तो ये प्योरिटी ऑफ फंक्शन जो है ना, ये भी इंशाल्लाह जब हम फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो फ्रेमवर्क है, जैसा कि रिएक्ट थोड़ा सा हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ना प्योरिटी ऑफ फंक्शन पे बड़ा जोर दिया जाता है। कुछ जगहों पे रिक्वायर्ड होता है कि आप जो फंक्शन पास कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि फंक्शन हम समटाइम खुद नहीं कॉल करते, हम पास करते हैं, तो जब फंक्शन आप पास करते हैं कहीं पे, तो वो आपसे ये रिक्वायरमेंट मांगते हैं, कहते हैं यार ये फंक्शन प्योर ही होना चाहिए, अगर ये फंक्शन प्योर नहीं होगा तो उससे मिसाल के तौर पर डेटा की रेस लग जाएगी या कुछ भी इस तरह का इशू उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, डेटा की रेस लग जाती है आमतौर पर ना, अगर फंक्शन आपका प्योर नहीं होगा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अभी आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, फिर हम वापस आके ES6 का जो सिंटैक्स है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यार फंक्शन, हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं फंक्शन में, अब हमने आखिरी चीज़ ये देखनी है कि ES6 में ये फंक्शन कैसे बन रहा होता है। तो ES6 का सिंटैक्स डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ जो दो नंबर को प्लस करके रिटर्न करता है, ठीक है, फंक्शन, और मिसाल के तौर पे इसका नाम रखा मैंने डू सम, ठीक है। डू सम है num1 इसका एक पैरामीटर है और num2 इसका एक पैरामीटर है, राइट, और अंदर ये क्या करता है? रिटर्न करता है num1 प्लस num2, राइट। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है ये ES5 में होता है, ये जो फंक्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज परफॉर्म होती है होस्टिंग, ठीक है, और इसको बोला क्या जाता है? नेम्ड फंक्शन, ठीक है, ये इसका नाम है नेम्ड फंक्शन, और होस्टिंग इसके क्या अंदर परफॉर्म होती है। अब व्हाट इज होस्टिंग, कोई बता पाएगा कि होस्टिंग किस चीज को कहते हैं? करीब करीब काफी बताया उन्होंने जी,
अच्छा, हमने जो लेट वाला पढ़ा उसमें होइस्टिंग नहीं परफॉर्म होती, वार वाले में होती है। होइस्टिंग बाय द वे एक प्रॉब्लम थी जिसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। होइस्टिंग को किसी पर्पस के लिए रखा गया होगा, लेकिन इस दौर में होइस्टिंग इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको ख़त्म किया गया है। अभी ES6 में ख़त्म कर दिया है, हर जगह से ख़त्म कर दिया होइस्टिंग को। हाँ, तो यही मेरा सवाल है कि होइस्टिंग क्या होती है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है उनको ये पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपने ज़िंदगी में जावास्क्रिप्ट पढ़ी है पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, बस दूर से देखी है आपने कि कैसी होती है। वेल, होइस्टिंग क्या होता है, एक फेज़ होता है। होइस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऊपर कर देना, ठीक है। अंग्रेज़ी में यही मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ HOIST, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन जब हम देखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, राइज अ वाइट फ्लैग वॉज होइस्टेड, कि क्या कर दिया गया, वाइट फ्लैग को हवा में लहरा दिया गया, ठीक है। तो होइस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऊपर कर देना। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, नेम्ड फंक्शन की बात हो रही है इसकी, ठीक है। नेम्ड फंक्शन क्या होता है, जब आप बनाते हैं तो पूरा जो प्रोग्राम रीड करता है ना आपका गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र, जब पूरे प्रोग्राम को रीड करता है तो उसमें इन नेम फंक्शन को ना ढूंढ के पहले रीड कर लेता है। और यही वजह है कि ये जो नेम्ड फंक्शन होते हैं, ये बने हुए बाद में हो और आप इसको कॉल अगर पहले कर देना तो ये कॉल हो जाते हैं, ये एरर नहीं देगा आपको, ये कॉल हो जाएगा। क्यों? अच्छा, ये एक अजीब सी बात होती है कि वो भाई पहले कैसे कॉल हो गया। उसका रीज़न असल में ये है कि पूरे कोड को जब पढ़ता है ना एक दफ़ा, तो जो पहला फेज़ होता है उसमें सारे कोड को छोड़ देता है, सिर्फ इस वाले को पढ़ता है जो होइस्टेड है, ऊपर हुए हैं, इनको ऊपर ऊपर से उठा लेता है। ऊपर से उठा लिया, एक फेज़ कंप्लीट हो गया, अब उसको प्रोग्राम को बाकायदा वो रन करता है, ठीक है। तो होइस्टिंग इस फेज़ की वजह से बना हुआ बाद में हो और कॉल वो पहले भी हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड होइस्टिंग, जो कि ES5 के नेम्ड फंक्शन में हुआ करती थी। इसी तरीके से वार करके जो वेरिएबल बनता था ना ES5 में, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो डायरेक्ट लेट पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें भी यही होता था, होइस्टिंग परफॉर्म होती है कि वेरिएबल बना हुआ बाद में और इस्तेमाल पहले हो रहा है। कितना नॉनसेंस बात है कि बना हुआ बाद में इस्तेमाल पहले हो रहा है, तो इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती थी और ये सिर्फ इसी में होता है, जावास्क्रिप्ट में। अल होता है नहीं, होता था, अब नहीं होता, ठीक है, इसी में ही होता था, वाहियात चीज़ थी, हटा दिया उसको। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स भी थे लेकिन नुकसान ज़्यादा थे, बेनिफिट्स कम थे नुकसान, तो इसलिए हटा दिया उसको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ES5 का ही एक और फंक्शन बनाने का तरीका है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, यही पूरा फंक्शन रिपीट कर रहा हूँ, दो नंबर्स को प्लस करने वाला ये फंक्शन है। ठीक है, ये है एनोनिमस फंक्शन। इसमें आप नोट करें, फंक्शन का नाम मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये ES5 में होता है, ठीक है, इसमें होइस्टिंग परफॉर्म नहीं होती, और इसको क्या बोला जाता है, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, मैं गूगल से निकाल लेता हूँ स्पेलिंग इसकी, है हाँ रन होगा, वो अभी बताता हूँ एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, एनोनिमस फंक्शन इसका नाम है, इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, इसको कॉल कैसे करेंगे आप, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो इसको कॉल कैसे करेंगे हम। इसको कॉल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। नंबर एक तो ये हो सकता है कि इसको मैं यहीं पे कॉल कर दूं, इन दोनों पे ब्रैकेट लगाई मैंने ऐसे, और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कॉल कर दिया, तो ये फंक्शन बनेगा, फौरन कॉल हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, इसको दोबारा मैं किसी भी हाल में कॉल नहीं कर सकता। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ कॉलिंग, ठीक है, सही है। सेल्फ कॉलिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं है, तो मैंने इसको बनाते साथ ही फ़ौरन इसको कॉल कर दिया, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉलिंग। तो एनोनिमस फंक्शन जो है वो सेल्फ कॉलिंग भी हो सकता है, ठीक है, या एनोनिमस फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ये वही एनोनिमस फंक्शन है, ऊपर मैंने सेल्फ कॉल कर दिया था, सेल्फ कॉल वाले को मैंने रोक दिया, ठीक है। सेल्फ
सेल्फ कॉल वाले को मैंने रोक दिया, ये सेल्फ कॉल किया था मैंने, अब ये एनोनिमस फंक्शन है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी वेरिएबल में भी स्टोर। मैंने कहा लेट डू सम इक्वल्स टू फंक्शन, देखो अब वो एरर हट गया, पहले जो एरर कह रहा था ना यार इसको। तो जावास्क्रिप्ट हमसे कहता है कि भाई अगर एनोनिमस फंक्शन आप बनाते हो तो उसको क्या कर दो, या तो सेल्फ कॉल कर दो, या तो वेरिएबल में स्टोर कर दो, या किसी फंक्शन में पास कर दो फौरन हाथ के हाथ, ठीक है। अच्छा, ये एनोनिमस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन है, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन है, बहुत सारी जगहों पे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना होता है ना, तो हम वहीं पे बना देते हैं उसको, तो वहाँ पे बनाते हैं, मुझे नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फौरन ही पास हो रहा है दूसरे फंक्शन के अंदर, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एनोनिमस फंक्शन हो गया। अच्छा, अब नंबर थ्री हमारे, ये डू सम डबल हो गया ना। अच्छा, ऊपर वाले को रोक देता हूँ, ऊपर वाले को मैंने रोक दिया। ठीक है, ES5 हो गया, इसको भी मैं रोक देता हूँ। हाँ, कॉल बता तो दिया, ये फंक्शन वेरिएबल में स्टोर हो गया ना, तो अब इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, डू सम और कॉल, हो गया कॉल। इसमें जो है वो दो नंबर में इनपुट दे दूँगा। ये समझ आया सबको, ये फंक्शन जो था ना इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैंने, क्योंकि तो अब वेरिएबल के नाम से ये कॉल होगा, ये वेरिएबल। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये मेमोरी में क्या जगह लेगा। अच्छा, फंक्शन जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था, फंक्शन मेमोरी में कोई जगह नहीं लेते हैं, तो ये वेरिएबल भी मेमोरी में कोई जगह नहीं लेगा, सही। हाँ, ES5 में अच्छा नहीं था, मैं समझा नहीं बात। नहीं, ये तो अभी आपको लग रहा है ना डबल हो गया, जब एक्चुअल कोडिंग करने बैठते हैं ना तो फिर साइकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि कोड बहुत बहुत सारा आपको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये असल में उन लोगों की फीडबैक पे ये काम किया गया है जो डेली बेसिस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आई तो उनके फीडबैक पे ये काम हुआ, ये किसी ने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। अच्छा, तो ये बाय द वे ख़त्म हो चुका है हमारा ना, ES5 तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी ये पिछला वाला था, अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ES5 ही पढ़ा है हमने। अब हम थोड़ा ES6, जस्ट सिंटैक्स का फ़र्क है, पीछे कुछ भी अलग नहीं है, पीछे सब एक ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क है। अच्छा, फिर अब मैंने कहा कि ES6 का फंक्शन, ES6 में चलता है एरो फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, ES6 का फंक्शन है। इसमें देखो फंक्शन का जो कीवर्ड है ना वो नहीं है, फंक्शन का कीवर्ड नहीं है, फंक्शन के कीवर्ड की जगह क्या आ गया, ये एरो आ गया, सही है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो इस एरो को देख के पहचानता है कि ये क्या है, फंक्शन है। अच्छा, इसमें मुझे पैरामीटर चाहिए दो, num1, num2, ठीक है, ये दो पैरामीटर हो गए। और अंदर आके मैंने क्या बोला, मैंने कहा रिटर्न num1 + num2। अच्छा, कोड इसमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ा मुझे निस्बतन दूसरे वालों के, थोड़ा कम है, फंक्शन का कीवर्ड मिस है तो कोड कम है थोड़ा। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ना ये क्या है, ये एनोनिमस है, इसका कोई नाम तो है नहीं, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो फॉरन कॉल करूँगा या तो वेरिएबल में रखवा दूँगा, तो फिलहाल मैं इसको वेरिएबल में रखवा देता हूँ। मैंने कहा लेट डू सम इक्वल्स टू, ये हो गया, ठीक है। अब मैं डू सम को कॉल करूँगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं डू सम इसको ऐसे कॉल करूँगा, ठीक है, ऐसे डू सम कॉल करूँगा, इसको मैं पैरामीटर में दो नंबर दे दूँगा, सही है। अच्छा, ये तो हो गया ES6 का एक सिंटैक्स है, एक ही है ये, सही है। इसके अलावा जैसे उसमें था ना दो थे, एक नेम्ड एक एनोनिमस, इसमें एक ही है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ना कुछ प्रिविलेजेस हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं हम कि वो क्या क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो रिटर्न है वो एक ही लाइन का अगर है तो आपको ये बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऊपर वाले को कॉमेंट कर देता हूँ,
ठीक है, अगर जो मेरा रिटर्न है ना वो एक ही लाइन का है तो मुझे ये बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, खत्म यहां पे। ये फंक्शन के पैरामीटर्स एरो और उसके बाद डायरेक्ट रिटर्न, बॉडी की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पहले एक ही लाइन में रिटर्न हो जाता है तो ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये दो पैरामीटर की जगह ना सिर्फ एक पैरामीटर है तो मुझे पैरेंथेसिस भी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दो पैरामीटर की जगह एक पैरामीटर कब हो सकता है? अभी सम में तो खैर दो से कम हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है जो कैलकुलेट करता है क्यूब, क्यूब कैलकुलेट करता है, पता है ना पावर थ्री जो होती है इस पर। तो मैं इसका ना एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, मैं बोला डू सम नहीं है ये, फाइंड क्यूब है, कैलकुलेट क्यूब, सही है। कैलकुलेट क्यूब में मुझे क्या देना पड़ता है? एक ही नंबर देना पड़ता है, एक ही होगा ना, उसी का ही क्यूब करेगा। और रिटर्न कैसे करेगा? उस नंबर को तीन दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, नम मल्टीप्लाई बाई नम और मल्टीप्लाई बाई नम, ठीक है। तो एक ही लाइन में इसका रिटर्न भी कर सकता हूँ। तो अब जबकि मेरे पास पैरामीटर सिर्फ एक है तो मुझे ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और मैं इसको कॉल बिल्कुल ऐसे ही करूँगा जैसे मैं पहले करता था। मैंने कहा सिक्स का मुझे क्यूब निकाल के दूंगा, सही है। ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। और ES6 वाला फंक्शन है, इसको एरो फंक्शन कहते हैं। तो हमने सबसे पहले एरो फंक्शन ऐसे बनाया, फिर हमने ये देखा इसमें कुछ प्रिविलेज है, कुछ फैसिलिटीज हैं। नंबर एक फैसिलिटी, अगर रिटर्न एक लाइन में हो तो आपको बॉडी बनाने की, बना दें तो वैसे मसला नहीं है कोई, बना दें तो बना दें, मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पैरामीटर सिर्फ एक हो तो ये पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दे तो मसला नहीं है लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें फैसिलिटीज़ हमने देख लिया, तो इसमें मैं साथ साथ मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ यू हैव वन पैराम, नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस की स्पेलिंग क्या होती है भाई? ये है पैरेंथेसिस की स्पेलिंग, सही है, नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस। इफ़ यू हैव वन लाइन, वन लाइनर फंक्शन, नो नीड ऑफ ठीक है, अगर आपका वन लाइनर है आपका फंक्शन तो आपको बॉडी बनाने की पैरेंथेसिस जो कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है और ना ही रिटर्न के कीवर्ड की ज़रूरत है। ये एक लाइन को ऑटोमेटिक समझता है कि ये रिटर्न का, रिटर्न यही है, सही है। तो ये दोनों इसके क्या है? ये दोनों इसके समझ जाए छोटे छोटे से शॉर्टकट्स हैं, या इसमें फैसिलिटीज़ कह लें, इसको जो भी कह लें। तो ये तीनों असल में क्या है? एरो फंक्शन है, और इन तीनों पर क्या होती है? अच्छा, इसमें ऊपर मैं ये मैंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है, ES6 का फंक्शन है ये, और इसमें क्या होता है, मैंने ऊपर तीन बात लिखी थी ना, हाँ, नो होइस्टिंग। अच्छा, होइस्टिंग बाय द वे सिर्फ नेम्ड फंक्शन में होती है ना, इस वाले में, तो मैं बाकी दोनों में भी नो होइस्टिंग को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, नो होइस्टिंग, और इसमें भी नो होइस्टिंग, ठीक है। अब ये ES6 के जो तीन फंक्शंस आपके सामने मैंने बनाए हैं, नंबर एक ये वाला है, सही है, नंबर दो ये वाला है, और नंबर तीन ये वाला है, इसमें किसी का कोई सवाल? ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। ये ES6 का फंक्शन है, इसका सिंटैक्स क्या है? गोल वाली ब्रैकेट ओपन, गोल वाली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एरो फंक्शन, उसके बाद फंक्शन की बॉडी, ठीक है। और इसको मुझे क्योंकि एनोनिमस है तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, सही है। इसमें होइस्टिंग परफॉर्म नहीं होती, ये ES6 का सिंटैक्स है। अगर कोई ब्राउज़र बहुत पुराना है जिसमें ES6 सपोर्टेड नहीं है, उसमें ये फंक्शन काम भी नहीं करेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब अप टू डेट है, इनमें ES6 की कंप्लीट सपोर्ट आ चुकी है, तो उसमें ये सही चलेगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा,
कि अगर आपका फंक्शन एक लाइन का है तो उसमें बॉडी, फंक्शन की बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है आपको और ना रिटर्न के कीवर्ड की जरूरत है, तो ये फंक्शन बिल्कुल सही चलेगा इस तरह की, ठीक है। और नंबर तीन हमने क्या देखा कि अगर आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर है तो आपको पैरामीटर की भी गोल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने दोनों नहीं लगाया, बॉडी भी नहीं लगाई और पैरामीटर भी नहीं लगाया। आप चाहे तो बॉडी लगा दें, पैरामीटर में गोल ब्रैकेट ना लगाएं, पैरामीटर में गोल ब्रैकेट लगा दें, बॉडी में ना लगाएं, दोनों ये फैसिलिटी है इसकी, ठीक है, एरो फंक्शन की। अच्छा जी, फंक्शन में कोई चीज ऐसी रह गई है, कोई ऐसा सवाल किसी का? जी सर, हाँ, दिस का कीवर्ड ना असल में वो फंक्शन स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो फंक्शन स्पेसिफिक चीज नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्कोप होता है जिसको हम कहते हैं दिस, ठीक है। वो हम इस कोर्स में हम कवर नहीं कर रहे वो टॉपिक, लेकिन जो आपकी स्मार्टर वे की बुक है ना उसमें आगे वो टॉपिक कवर किया हुआ है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जिक्र है ना, वहाँ पे वो किया हुआ है दिस का जिक्र, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आमतौर पे आपको दिस की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं ना, जो कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है ना, ये आया था तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, क्लास का कीवर्ड हुआ करता था इसमें, ठीक है। तो फेसबुक वालों ने अपने हिसाब से किया हुआ था, लेकिन जब ये पब्लिक में आया 2016 में या पता नहीं 2014 में इसको पब्लिक किया था इन्होंने, तो पब्लिक ने बोला जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है इनको बड़ा प्यार है फंक्शनल प्रोग्रामिंग से, तो इन्होंने ना इसको करते 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 इतने यानी तंग कर दिया कि आखिर में इन्होंने वो फंक्शन वाले कंपोनेंट रिलीज कर दिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ना वो फंक्शनल कंपोनेंट से बहुत प्यार करती है। बीच में एक और फ्रेमवर्क भी आया था एंगुलर, उसमें भी वो दिस दिस बड़ा खेलते थे, लेकिन वो भी फेल हो गया अल्टीमेटली, वो दिस की वजह से ही फेल हुआ है मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी भी जो एंगुलर 2 जो है, जो अभी पता नहीं एंगुलर उसके वर्जन ही चेंज हो रहे हैं, पता नहीं 12 15 16 तक पहुंच गया वर्जन उसका ना, तो उसमें भी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़ा खेलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये है कि उसका मार्केट शेयर बहुत थोड़ा है, ठीक है, मार्केट शेयर उसका बहुत थोड़ा है। जैसे Vue.js है, वो भी फंक्शनल में चलता है सारा। तो जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ना वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को बड़ा लाइक करती है, और मेरा नहीं ख्याल कि दूर दूर तक कोई ऐसा इम्कान है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगी, मुझे नहीं लगता। बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उनको असल में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है ना, ये दो पैराडियम्स हैं कोड को लिखने के, अपने प्रोग्राम को लिखने के दो पैराडियम्स हैं। पैराडियम्स क्या होता है? एक अंदाज होता है, ठीक है, पैराडियम मतलब अंदाज। ये दो अलग अलग अंदाज हैं लिखने के। अच्छा भाई देखो, पैराडियम सिर्फ दो नहीं है, और भी हैं। जैसे अगर मैं गूगल पे जाके लिखूंगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, और विकिपीडिया का मैंने पेज खोल लिया जावास्क्रिप्ट का, तो अब इसमें देखेंगे पैराडियम जो है ना, मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। और तकरीबन लैंग्वेजेस जितनी भी है ना आज तक जो मैंने देखी हैं, जो फेमस हैं, वो क्या है, वो मल्टी पैराडियम है, ठीक है। मल्टी पैराडियम का मतलब है कि वो अलाउ करते हैं आपको कि आप किसी भी पैराडियम जो आपको पसंद है ना इसमें से, उसमें आप काम कर लें, ठीक है। एक है इवेंट ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन हमने इस कोर्स में कवर नहीं किया, लेकिन वो आपकी बुक में मौजूद है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब चैट बॉट के लिए, इसलिए हमने वो कवर नहीं किया। इवेंट ड्रिवन में क्या होता है, हर चीज़ एक इवेंट होती है, मिसाल के तौर पर माउस का क्लिक, बटन का प्रेस, ये सब इवेंट होता है, ठीक है। तो उसके ज़रिए प्रोग्रामिंग की जाती है कि भाई अच्छा फॉर्म पे क्लिक हुआ है तो क्या सबमिट हुआ है या क्या हुआ है, ठीक है, बटन क्लिक हुआ है तो कौन सा क्लिक हुआ है, किस किस जगह पे क्लिक हुआ है, वो सारी चीज़ें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आती हैं। फंक्शनल तो UI के जितने फ्रेमवर्क हैं सारे फंक्शनल पे चल रहे हैं अभी, रिएक्ट समेत, जो हम थोड़ा सा कवर भी करेंगे रिएक्ट। इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है कि हर लाइन जो होगी ना, हर लाइन एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगी, एक कंप्लीट जुमला होगा, और उस लाइन के आखिर में लाइन टर्मिनेटर होगा, जैसे सेमी कॉलन जो लगाते हैं, लाइन टर्मिनेटर होगा। तो ये चीज़ कहलाती है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग।
अच्छा इस पर किसी ने सब करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय द वे इम्पेरेटिव भी ऑप्शनल है, आप सेमी कॉलन लगा दो तो वो खुश है, नहीं लगाओ तो भी खुश है उसको, मतलब तो ज़रूरी नहीं है ऐसा। आपको बड़ा दिल कर रहा है इम्पेरेटिव पैराडियम में करने का, तो आप लगाते रहें सब में सेमी कॉलन, ठीक है। मेरी आदत है मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ क्योंकि मैं सी के बैकग्राउंड से आया हूँ, सी लैंग्वेज में अगर आप सेमी कॉलन ना लगाएं तो वो कोड रन करने ही नहीं देता आपको, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इम्पेरेटिव को फॉलो करता है कि भाई हर लाइन के आखिर में सेमी कॉलन होना ही चाहिए, उसके बगैर मसला। इसमें ऑप्शनल लगा दें आप तो सही है, नहीं लगाएं तो भी खुश है वो। उसके अलावा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि प्रोसीजर्स पहले से डिफाइंड हो, अगर फंक्शन में कोई पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू ना हो ना तो उसको प्रोसीजर कहते हैं सी लैंग्वेज में। तो क्योंकि ये सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है तो यहाँ पे भी उसी से इंस्पिरेशन ली है उन्होंने। तो प्रोसीजरल का मतलब होता है जैसे हमने किया ना ऑन सबमिट पे एक फंक्शन बनाया हुआ, तो वो फंक्शन को प्रोसीजर कहते हैं ये। जैसे आप अगर इस पर गौर करें ना, जो मैंने ऑन सबमिट का जो बनाया हुआ है फंक्शन यहाँ पे, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता, ये सी लैंग्वेज के अंदर ये प्रोसीजर कहलाता है, सही है, इसको कहते हैं ये प्रोसीजर है, मतलब फंक्शन की एक किस्म है प्रोसीजर। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जो हमने फंक्शन बनाया प्रोसीजरल था। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी ES6 में इसकी तकरीबन 70-80% सपोर्ट आ गई है। क्लास का कीवर्ड आ गया है, कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, क्लास में पब्लिक प्राइवेट वगैरह बन जाते हैं, गेटर सेटर बन जाते हैं, सही है, इन्होंने अलाउ किया है कि आप कर लो। अच्छा, इन सबको छोड़ के ना आवाम ने हवा बनाया, आवाम ने नहीं जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को और फंक्शनल को, इन दोनों को बनाया हुआ हुआ बिला वजह। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्योंकि सबसे पुराना पैराडियम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ना ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, लोगों को उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कुछ लोगों का ये ख्याल है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो फास्ट होती है रन होने के एतबार से भी, और फंक्शन अगर प्योर हों तो फिर प्रेडिक्टेबल भी होते हैं, बहुत उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी उनकी जो अपनी अपनी वो है, जो क्या उसको बोलते हैं, ये दलील है कि यार ये क्यों अच्छा है, बहुत इसके फजाइल बयान किए जाते हैं। ऑन अदर एंड एक कम्युनिटी ऐसी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वाले सरे फहरिस्त हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले उन्होंने कसम खाई दी है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही करेंगे, तो आप उनके जितने भी फ्रेमवर्क हैं .NET वगैरह C#, सब आप देखें वो इस पर ही चलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सपोर्टर्स हैं उनका ये ख्याल है कि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट का मतलब है कि फेसबुक के लेवल का प्रोजेक्ट, ठीक है, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या फोटोशॉप है जैसे वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो इस चीज़ को जहन में रख के बनाए जाते हैं कि अगले 40 साल तक ये चलेंगे मार्केट में, तो जाहिर है 40 साल तक चीज़ें इंक्रीमेंट होती रहेंगी, नए नए फीचर आते रहेंगे, तो वो मानते हैं कि इतने बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बनाया जाए तो उसको हैंडल करना आसान होता है, स्पीड वगैरह की परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करते, ये कहते हैं उसको हैंडल करना आसान होता है, टास्क को डिवाइड करना मॉड्यूल्स में आसान होता है, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग टीम को बिठा देते हैं, वो करते रहते हैं, उसको जोड़ के फिर पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो मॉड्यूलर अप्रोच इसमें अख्तियार करना आसान है, चीज़ों को ट्रैक करना, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, ये चीज़ें इसके अंदर आसान है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो सॉफ्टवेयर बनवाता है, ठीक है, मतलब एक रिक्वायरमेंट लेता है और उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है कि ये बनेगा कैसे, ये होगा क्या इसके अंदर, क्योंकि कोड लिखना तो सबसे आखिरी काम है, ये हम पहले देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ये कोड लिखना सबसे आखिरी काम होता है। अब एक कंपनी आई है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो रिक्वायरमेंट गैदर करना और उसको फिर प्लान करना कि इसका डेटाबेस किस तरह का होना चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजी बेस्ट है इसके लिए जो काम ये करना चाह रहे हैं, किस लेवल की डेटा की ट्रांजेक्शन हो रही होगी, उसके लिए कौन सा डेटाबेस, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा फ्रेमवर्क सही रहेगा, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और उसमें फिर इंजीनियर में भी अलग अलग होते हैं, कुछ आर्किटेक्ट होते हैं, कुछ डेटाबेस के इंजीनियर्स होते हैं, कुछ क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर अलग अलग लोग मौजूद हैं, तो वो 4-6 इंजीनियर ना एक साथ बैठते हैं, एक होता है डेटाबेस का इंजीनियर, वो कहता है यार ये ऐसे ERD डायग्राम वगैरह बना के कुछ अपनी खिचड़ी पकाता है वो, कि यार इधर से डेटा आएगा, यहाँ से घुसेगा, वहाँ से निकलेगा, ऐसे क्वेरी लगेगी, ठीक है। तो 4-6 इंजीनियर साथ में बैठ के ना ये पूरा प्लान करते हैं, और वो प्लान करके ना इतनी मोटी फाइल बन के फिर वो आ जाती है
इंचार्ज के पास, जो फ्लोर इंचार्ज होता है ना, जो मैन पावर से डेवलपर से काम करवाता है, उसके पास आ जाता है ये। फिर वो क्या करता है, उसमें से एक एक पन्ना पलटता जाता है और उसके टिकट बना बना के ना, 10-10, 15-15 लोगों की टीम होती है हर इंचार्ज के पास, उसको वो डिवाइड करता जाता है, ठीक है। फिर पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अगर हम बात करें तो एक उसमें हो सकता है यूआई को मेंटेन करने वाले पूरी टीम हो सकती है, या अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो एक बंदा काम कर रहा है पीडीएफ जनरेट वाले पे, एक बंदा काम कर रहा है कि भाई क्रॉप कैसे होगा इसके अंदर, इस तरह के मॉड्यूल अलग अलग करके। तो एक बड़ी कंपनी की इस तरह से ये लोग काम करते। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के परस्पेक्टिव से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है कि बेहतर है, उसमें आसानी होती है। अच्छा, ये फंक्शनल वाले कहते हैं कि अच्छा भाई क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले क्या बड़े सॉफ्टवेयर नहीं बनते थे? बनते थे, अभी भी बनते हैं, अभी बने हुए बहुत सारे बड़े सॉफ्टवेयर जो फंक्शनल लेवल पे बने हुए हैं, और जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन वगैरह कंट्रोल होते हैं ना सारे, वो सब फंक्शनल पे बने हुए हैं और उसी टाइम के बने हुए, उसको अपडेट तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल होता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो जिसको हम क्या कहते हैं, जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का मतलब है कि डिफेंस सिस्टम होता है, जो न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, ये क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं। वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है मिलिट्री वगैरह का, वो बड़े बड़े रिलायबल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उनको बनाने के बाद 10-10 साल तक उनकी टेस्टिंग की जाती है, जब उसको प्रोडक्शन में डाला जाता है, जब उसको डिप्लॉय किया जाता है। मतलब लिटरली ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिलेंगे कि वो पिछले 3-4 साल से ना उसकी टेस्टिंग चल रही है, और वो टेस्टिंग में कुछ ना कुछ मसला। अच्छा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं होता भाई, इधर ये वेपन्स में भी होता है, ये जहाज़ों में भी होता है, ये सब में होता है। अब मैं पिछले 5 साल से ये सुन रहा हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो अपना वेपन अपग्रेड कर रही है, अभी G3 इनका मेन वेपन है, तो वो AK-102 पे जाना चाह रहे हैं। तो ये पिछले 5 साल से मैं सुन रहा हूँ, हर साल वो मंगवाते हैं 10-12 पीस, उसको वो कीचड़ में बर्फ़ में डाल डाल के पानी में डाल के छोड़ते हैं, चैम्बर में वैक्यूम चैम्बर में डालते हैं, तो फिर टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, फिर पता चलता है भाई नहीं इस दफ़ा नहीं अपग्रेड होगा। देते होंगे उनको कोई फीडबैक कि भाई ये हमारे एनवायरनमेंट में मसला करता है ये वाला, ठीक है। तो जैसे M416 है, एक वेपन है M416 जो AR प्लेटफॉर्म है हमारा, वो US में बड़ा कामयाब वेपन है, पूरा US है, पूरा कनाडा, जितनी आर्म फोर्सेस हैं वो सब वही AR प्लेटफॉर्म पे हैं। उसमें 5.56 की बुलेट होती है, बड़ी मतलब हल्की बुलेट होती है, ज़्यादा गोलियाँ आ जाती हैं वेपन में। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर समटाइम बहुत एक्सट्रीम होता है, तो वो फट जाती हैं, उसकी नालियाँ वालियाँ फट जाती हैं, वो जैम हो जाता है हमारे पास ना, वो जैम हमारे पास चलते ही नहीं है। वो हमारे पास रेंजर्स हैं, पहाड़ों की फौज, उनके पास है डेल्टा फोर्सेस, दलदली इलाकों की फौज, वहाँ पे होती है ठंड हमेशा, हमारे पास होती है गर्मी, गर्मी होती है, रेत होती है, रेत उड़ती है, अंदर चली जाती है, उसके जैम हो जाता है वो, ठीक है। तो ये जिस तरह मतलब गाड़ियों में भी होता है, जो गाड़ियाँ एडॉप्ट करते हैं ये मिलिट्री वाले, उसको अच्छी खासी टेस्टिंग होती है उसकी। आप ये हमारी जो रेंजर्स वाली गाड़ियाँ जो है, आप कभी हाईवे पे इनसे टकराव हो ना आपका, तो इनकी स्पीड देख के मतलब माइंड ब्लोइंग स्पीड होती है इनकी। हम फॉर्चूनर पे बैठे हैं, डबल डोर पे V8 गाड़ी पे बैठे हैं, V8 है पता नहीं V6 है, और हम फुल जा रहे हैं, 270 की स्पीड पे जा रहे हैं, 270 बहुत स्पीड होती है मकरान कोस्टल हाईवे पर, ऐसी स्पीड पे जा रहे हैं ना उनके, अगर हमने शीशा हल्का सा भी खोला ना अगर, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, पलटती भी हमें खुद भी नहीं पता, इतनी ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। ये हमसे भी आगे जा रहे हैं अपने डाले पे, सही है। तो मतलब बड़ी टेस्टिंग करते हैं हर कोई भी, और ये दुनिया की हर मिलिट्री की बात है, बड़ी टेस्टिंग करके टेन्योर पूरा होता है। फिर मिसाल के तौर पर रिएक्टिव फ्रेमवर्क है, अभी आया है, इसको आए हुए 5-6 साल हुए हैं, कोई भी क्रिटिकल लेवल का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इस पर नहीं बनाया जाएगा, इसका एक टेन्योर होता है। एंटरप्राइज नहीं बनाती, एंटरप्राइज वालों ने रिएक्ट को अब जाके थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया कि अच्छा रिएक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, अब सोचना शुरू किया। इसको फेसबुक 10 साल से यूज़ कर रहा था, इसको रिएक्ट के फ्रेमवर्क को पब्लिक उन्होंने 2012 या 2014 में किया, और 8-10 साल उसको पब्लिक हुए हुए हो चुके हैं, कम्युनिटी के हाथ में, कम्युनिटी ने इसको इतना रोबस्ट बना दिया है कि इससे ऊपर कोई फ्रेमवर्क नहीं है इस वक्त यूआई का, लेकिन एंटरप्राइज इसको अब कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्रेमवर्क जब बनता है ना, उसका एक टेन्योर होता है, वो टेन्योर जब तक पूरा नहीं होता ना, यानी जो मसले आने होंगे उस टेन्योर में आ जाएंगे, आगे ख़त्म हो जाएंगे,
तो अब उसको एंटरप्राइज सोचेगी कि अच्छा यार इसमें अब कुछ किया जा सकता है, ये रिलायबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। और जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं उसको 10-15 साल फिर और लगते हैं, उनका टेन्योर यानी उन्होंने सेट किया हुआ होता है डिपार्टमेंट ने ना कि इतना टेन्योर जिसका हो गया होगा 10 साल का उसी को ही हम अडॉप्ट करेंगे, उससे कम वाले को नहीं करेंगे। तो बहुत सारे जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बना के इतनी लंबी उसकी टेस्टिंग होती है ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो फिर उसमें कंसिडरेबल ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटिवली न्यू है और उसको वो ये नहीं कर सकते कि एक बना हुआ सॉफ्टवेयर उसको ख़त्म करके दोबारा से बना दिया शुरू से, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये उसको बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, बनाने में नहीं उसको टेस्ट करने में बाद में। असल में ज़ाहिर है टेस्टिंग के लिए एक रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, उस सिचुएशन में उस एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट इकोसिस्टम में उसको चेक किया जाता है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि अमेरिकन मिलिट्री जो है अभी वो यहाँ आके हेलीकॉप्टर पे आके ऑपरेशन करके चली गई उसामा बिन लादेन वाले, इस तरह के वो कई ऑपरेशंस करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड भी ऑन रिकॉर्ड भी। तो इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और वो ग्लिच कर गए, होता है ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फेसबुक कभी आप खोलते हैं वो खुलता ही नहीं है, लोड करता रहता है करता रहता है, ये हरकत अगर उसने की तो फिर तो गए आप अगर डिस्कनेक्ट हो गए अपने हेडक्वार्टर से जो कि आपके आई और एयर्स हैं, आपको थोड़ी दिख रहा है कि दीवार के पीछे गया, आप तो अंदर है ना कंपाउंड के, आपको थोड़ी पता बाहर गया, वो तो आपको बाहर से सेटेलाइट से देख के बता रहे हैं कि भाई फला जगह से ये व्हीकल आ रही है इतने किलोमीटर दूर पर है अभी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, या फला जगह से एक तूफान आ रहा है आपकी तरफ तो आपको ऑपरेशन जल्दी करना है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है वो तो अंदर आपको थोड़ी पता है, वो तो बाहर से आपको देख के बताएंगे ना, आईज एंड ईयर सैटेलाइट से देख के बताएंगे। तो क्या कहते हैं, और टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, टाइम बहुत, मिसाल के तौर पे अगर आप बिन लादेन पेपर्स किसी ने पढ़े हैं आप में से, आप उसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी आ गई बाय द वे, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब वो वहाँ पहुँचे ना कंपाउंड में, अब वो अल्लाह जाने सच है या झूठ है वो अलग बात है, जब वो कंपाउंड में पहुँचे तो उन्होंने देखा कंप्यूटर्स पड़े हुए वहाँ पर, जो कि उनको पता नहीं था, उनके प्लान में शामिल नहीं था कि कंप्यूटर्स वहाँ पे होंगे, सरप्राइज था उनके लिए। तो इसके एक कैप्टन ने बोला कि जो है ना वो हमें ना ये कंप्यूटर भी साथ लेके जाने पड़ेंगे, ये डेटा है, पेपर वेपर तो कलेक्ट कर लिए, तो उसको पता नहीं 17 मिनट का उन्होंने एडिशनल टाइम दिया कि 17 मिनट है आपके पास, जितने समेट सकते हो समेट लो। तो उसने सारे कंप्यूटर खोल के ना हार्ड ड्राइव उसमें से निकाली उन्होंने और वो भी साथ लेकर गए, USBs, हार्ड ड्राइव्स, इस तरह के जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स थे, CDs थी, वो भी सब साथ में लेके गए। तो टाइम कितना क्रिटिकल है इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो वेल, हम बात कर रहे थे कि फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ना आवाम ने बनाया हुआ हुआ बिला वजह का, हालांकि बात है टेन्योर की, बात है मैच्योरिटी की, कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा पैराडियम, कौन सी अप्रोच कितनी मैच्योर है। तो आप चलने दो, जो सिस्टम है, जो चलने का तरीका है प्रॉपर, उससे आप चलने दो बिला वजह। लोग ना ऐसे, जैसे पेप्सी और कोक है ना, एक बंदा बोलेगा नहीं कोक सबसे बेस्ट है, अरे क्यों बेस्ट है भाई, तुझे कोक का टेस्ट अच्छा लग रहा तो पी कोक। अब मैं मिसाल के तौर पे, जैसे मुझे पेप्सी पसंद है क्योंकि पेप्सी थोड़ी मीठी ज़्यादा होती है और थोड़ी कभी मीठे की क्रेविंग होती है तो पेप्सी पी लेते हैं, तो मीठे की क्रेविंग भी पूरी, निकोटीन भी आ जाता है जो भी उसमें होता है कैफीन, वो भी पूरा हो जाता है, तो एक साथ हो जाता है सारे काम। जिस तरह एंड्रॉयड और आईफोन है, अगर यार आईफोन आईफोन है तो एंड्रॉयड भी तो एंड्रॉयड ही है ना, और कोई चील का हुआ थोड़ी है क्योंकि एंड्रॉयड में भी बड़े अच्छे फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में, वो iOS से और आईफोन से ज़्यादा कैपेबल है। बंदे की नीड की बात है कि बंदे की नीड क्या है, मिसाल के तौर पर मेरी नीड्स के हिसाब से मुझे आईफोन ज़्यादा सूट करता है तो मैं वो रखा मैंने, किसी की नीड के हिसाब से उसको एंड्रॉयड अगर ज़्यादा सूट करता है तो वो रख लें। तो फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना वो इसी तरह है, दो अलग अलग पैराडियम्स हैं, दो अलग अलग अप्रोच है, अंदाज है कोड को लिखने के। तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने दोनों पैराडियम को अलाउ किया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोकती नहीं है कि आप चलो भाई आप इसी भाई करो, ठीक है, पाइथन में दोनों अलाउ है, सी शार्प में दोनों कर सकते हैं आप, सी लैंग्वेज में दोनों कर सकते हैं, आपका जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कॉमनली अवेलेबल है, जैसे कि आपका रस्ट है, अभी रस्ट भी फंक्शनल है, फंक्शनल करो उसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी अलाउड है, दोनों कर सकते हैं। तो ये वाला चक्कर है, दोनों के
मार्केट में। अच्छा, तो अब इससे इससे हमें क्या करना चाहिए? अब ये इतनी जो डिस्कशन हमने की, इससे अब हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि आया कि हम क्या करें। तो हमने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है वो कौन है? वो हम लोग हैं। आप सब लोग उसका पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है? मैं उसका पार्ट हूँ, आप सब उसका पार्ट हैं। तो आप सब उस कम्युनिटी का पार्ट है जो किसको सपोर्ट करती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर कल को कम्युनिटी मूव कर दे, बोले कि नहीं अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे, वैसा होगा नहीं ऐसा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी अना का मसला बनाया है, ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन जस्ट इन केस अगर हो जाता है, तो फिर आप और मैं, हम सब लोग मिलकर सीखेंगे। और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है भाई, मेरे, ठीक है? आधे घंटे एक घंटा लगेगा उसको समझने में कि इसमें चल क्या रहा है, ख़त्म। आधे घंटे एक घंटे से ज़्यादा का गेम नहीं है। अगर किसी बंदे को अच्छे से फंक्शनल प्रोग्रामिंग आती है तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मूव करने में ना आधे एक घंटे का केस है। वो एक बार एक डॉक्यूमेंट पढ़ेगा कि अच्छा ऐसे माइग्रेट होता है, वह ख़त्म, इतनी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल जो हमने अभी तक काम किया है उसके मुताबिक? अच्छा, हम ना जरा एक बुक में नज़र मार लेते हैं कि फंक्शन की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने मिस कर दी है। अच्छा, इसमें जो फंक्शन को इन्होंने डिस्कस किया है वो किया है चैप्टर नंबर 35 में, राइट? ठीक है, हम ऑलमोस्ट इसके 40 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक सिर्फ हमारा रहता है आखिरी ऑब्जेक्ट का, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ के हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मैं ज़रा जल्दी से इसको गो थ्रू कर लूँ। पासिंग पैरामीटर, पासिंग बैग, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, स्विच स्टेटमेंट, अच्छा सही है, समझ आ गया। एक चीज़ हमने छोड़ी भी है, वो क्या है? जैसे ये मेरे पास क्या मौजूद है, एक फंक्शन मौजूद है, यहाँ पे मैंने एक लेट करके बनाया हुआ है, क्या पी ई आर इक्वल्स टू 5, एक वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने परसेंटेज या पर करके बनाया हुआ है। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे मैंने पर के नाम से एक और वेरिएबल बनाया हुआ है। दो वेरिएबल हो गया, एक फंक्शन के बाहर है, एक फंक्शन के अंदर है, ठीक है? अब जब नीचे लाइन पे मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज डॉट टू फिक्स या रिटर्न परसेंटेज, तो ये रिटर्न परसेंटेज में या तो ये वाला वेरिएबल पकड़ेगा ये, या तो ये वाला पकड़ेगा, दोनों एक वक्त में तो नहीं पकड़ा सकता ना, तो कौन सा वाला पकड़ेगा आपके ख्याल में, जो फंक्शन के अंदर मौजूद है? अच्छा, अगर फंक्शन के अंदर ये मौजूद नहीं होता, बना वही नहीं होता सिरे से, तो फिर ये कौन सा पकड़ता? फिर ये फंक्शन के बाहर उसको तलाश करता, ठीक है? अच्छा, तो ये हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्या अभी, स्कोप ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसको अब हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये जो बाहर हमने बनाया था ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग लगाता हूँ, और यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये जो पर था ना मेरा, इसको मैं कॉन्सोल करवाता हूँ यहाँ पे, कि भाई परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल था पर, उसको मैंने कंसोल करवा दिया। अब कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? जी, ये पर के नाम से वेरिएबल बना हुआ है और इसमें अभी पता नहीं क्या है, क्योंकि फंक्शन चलेगा तो कुछ भी वैल्यू आएगी, तो इसमें क्या प्रिंट होगा? अच्छा, हाँ, अच्छा, दो बातें हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होगी। नंबर एक, फंक्शन के अंदर जो भी काम हम करवाते हैं वो शुरू में तो रन ही नहीं होता, वो तो रन जब होगा ना, जब फंक्शन चलेगा, ठीक है? तो ये जो मेरा कॉन्सोल है ना, ये तो पहले पड़ेगा फंक्शन, फंक्शन हो गया रजिस्टर, अभी अभी कॉल तो नहीं हुआ, कॉल तो बटन के क्लिक पे होगा, हो सकता है बटन कभी भी क्लिक ना हो, खोल के खड़ा रहे, वो बटन को क्लिक ही ना करे, ठीक है? तो ये जो फंक्शन है ना, ये रजिस्टर हुआ लाइन नंबर 48, लाइन नंबर 49 पे आके जब इसको
चलाएगा ये, तो इस वक्त तक ये वेरिएबल बना ही नहीं है, इस वक्त तक ये वेरिएबल बना ही नहीं है, क्योंकि ये कोड तो एग्जीक्यूट ही जब होगा ना, जब वो फंक्शन रन होगा, जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट, वो अभी तक तो नहीं हुआ एग्जीक्यूट, तो इसको मिलेगा यहाँ पे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड या जो भी एरर आता है ना कि वेरिएबल मौजूद नहीं होने का जो एरर है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इमेजिन करें कि ये फंक्शन एक दफ़ा चल चुका है, अब यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, क्योंकि जब एक दफ़ा चल चुका है तो ये वेरिएबल बन चुका है। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि उस ये जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बनते हैं वो मेमोरी में कोई जगह नहीं लेते, ठीक है। वो मेमोरी में कब जगह लेते हैं, जब फंक्शन रन होता है। जब ये फंक्शन अभी इस फंक्शन में जो जितने भी वेरिएबल यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये कोई भी मेमोरी में बने ही नहीं है, ये प्लान है कि ऐसा किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ एक बार, ये वेरिएबल बना, और ये वेरिएबल बनने के बाद जितने वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनेंगे ना, वो फंक्शन के ख़त्म होते ही डिस्ट्रॉय भी साथ साथ कर दिए जाएंगे। तो बावजूद इसके कि अगर एक दफ़ा ये फंक्शन चल भी चुका है, लेकिन अब तो चल के ख़त्म हो गया ना, तो ये वेरिएबल साथ साथ क्या हो गया, मेमोरी से डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए। अब ये मिलेगा नहीं आपको, दोबारा जब ये फंक्शन चलेगा तो फिर ये मेमोरी में क्रिएट होगा और ख़त्म होते ही फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये फंक्शन एक दफ़ा चले या 10 दफ़ा चले, फंक्शन के बाहर आपको ये वेरिएबल नहीं एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गई बात। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर, बॉडी समझ रहे हो ना, वो इफ की बॉडी भी हो सकती है, वो फंक्शन की बॉडी भी हो सकती है, वो फॉर लूप की बॉडी भी हो सकती है, किसी भी बॉडी के अंदर, यानी कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके दरमियान जो वेरिएबल बनेगा वो उस ब्रैकेट से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो भले वहाँ पे, अच्छा फंक्शन के केस में तो ये ना कि भाई वो फौरन ही मेमोरी से हटा दिया, लेकिन इफ एल्स के केस में ऐसा नहीं है। इफ एल्स के केस में वो रहता है मेमोरी में, उसके बावजूद भी उस ब्रैकेट से बाहर आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ जो लेट से बने हुए वेरिएबल है ES6 के, मैं उस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ जो वार करके बनते थे ना वेरिएबल पुराने वाले, वो पूरा घन चक्कर है, वो उसको छोड़ दो। वो वेरिएबल अंदर भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, इधर उधर सब जगह मिल रहे होते हैं, लेकिन उसको आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और बहुत प्रॉब्लमेटिक्स हैं। वो जो वार करके बनता है ना, वो फंक्शन के अंदर भी होगा, बाहर भी मिल रहा होगा, इफ एल्स के अंदर, बाहर, सब जगह, स्विच में, सब जगह मिल रहा होता है, वो ग्लोबल स्कोप चल रहा होता है, पता नहीं क्या, ठीक है। तो वो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें समझना ही नया वाला, लेट वाला। तो लेट करके जो फंक्शन बना हुआ होगा वो जिस बॉडी में होगा ना, उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। मिसाल के तौर पे अब हम एक सिचुएशन देखते हैं, ये फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन की पूरी बॉडी है ऊपर से नीचे तक। अच्छा, इसके अंदर एक बॉडी और है इफ, तो अगर वो वेरिएबल इफ की बॉडी में बना हुआ होगा तो मुझे वो इस इफ से बाहर नहीं मिलेगा, यानी इस फंक्शन के अंदर भी मुझे वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन में बना हुआ होगा तो फंक्शन से बाहर भी नहीं मिलेगा, लेकिन इफ की बॉडी में मिलेगा, क्योंकि इफ की बॉडी क्या है, उसका इंटरनल स्कोप है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें सीखी इस पॉइंट पे। नंबर एक, कोई वेरिएबल अगर किसी बॉडी के अंदर है तो वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अच्छा, फिर हमने ये सीखा कि किसी भी वेरिएबल को अगर प्रिंट करने की या कुछ काम करने की कोशिश की जा रही है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने स्कोप में देखेगा। अपने स्कोप का मतलब कि उसकी जो अपनी, जहाँ पे वो कोड लिखा हुआ है ना, उसकी जो बॉडी है वहाँ उसके अंदर अंदर तलाश करेगा। अगर उसमें मिल जाता है तो ठीक है, उसमें नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसके बाहर जो बॉडी है उसमें जाएगा, फिर उससे बाहर की बॉडी में जाएगा, यहाँ तक कि वो मेन कोड में रूट तक पहुँच जाएगा, सही है। और कहीं पे भी अगर मिल गया तो उसको पकड़ लेगा, नहीं मिला तो उसको बोलेगा कि भाई नहीं है फंक्शन ये, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल हमने समझ लिए, ये समझ आया सबको, ये मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं है कि समझ में आया आपके चेहरों से। मिसाल के तौर पे ये डिफ बना हुआ है ना बाहर है, ये अगर मैं इस इफ में ना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और इसमें मैं बोलूँ कि भाई डिफ को प्रिंट करवा दो, ये डिव के नाम से एक वेरिएबल है, तो पहले इसको कहाँ ढूंढेगा, इसी इफ के अंदर ढूंढेगा ये,
अगर मिल गया तो बाहर नहीं जाएगा, वहीं से उठा के प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई मौजूद, फिर वो इसके बाहर वाले बॉडी में देखेगा, फिर उससे और बाहर जाएगा तो उसको तीसरे नंबर पे ये मिल जाएगा, तो उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर तीसरे पे भी नहीं मिला तो फिर एरर दे देगा कि भाई ये मौजूद ही नहीं है। तो ये हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल पढ़ा कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, नाउ इट इज़ टाइम कि हम क्या करें, एक अदर, एक अदर क्या असाइनमेंट नहीं, हम एक अदर लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके देखें। खुद से तो बना लिए फंक्शन सारे ना हमने, लाइब्रेरी में मैंने ये जिक्र किया था, बहुत सारे फंक्शन को इकट्ठा करके लाइब्रेरी बना देते हैं, तो भाई कोई लाइब्रेरी एक हम यूज़ भी तो करें, पता तो चले हमें कि लाइब्रेरी यूज़ कैसे होती है, ठीक है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है जिसका नाम है एक्सियोस। एक्सियोस की जो लाइब्रेरी है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आपकी जावा स्क्रिप्ट की एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए अगर आपको किसी दूसरे सर्वर से बात करनी है या इंटरनेट से कोई डेटा लाना है या डेटाबेस से बात करनी है तो उसके लिए एक्सियोस करके एक लाइब्रेरी होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन, एक नया यहाँ पे वो बना लेते हैं, ट्वेंटी डॉट जावा स्क्रिप्ट वेदर ऐप, सही है। मैंने इसका क्या नाम रखा नए फोल्डर का, जावा स्क्रिप्ट वेदर ऐप, ठीक है। मुझे एक अदद फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ होगा, एंटर योर सिटी नेम, ठीक है। मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ इस वक्त, गेट वेदर, ठीक है। मैंने कहा सिटी नेम, उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, उसकी आईडी सिटी नेम है और ये रिक्वायर्ड है, और नीचे गेट वेदर का बटन है, राइट। और नीचे एक रिजल्ट है, H1 के नाम से एक रिजल्ट है जिसमें मैं कुछ प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिटी का नाम लूंगा यूजर से इनपुट, और उस सिटी के नाम को कहाँ भेजूंगा मैं, एक्सियोस की लाइब्रेरी के जरिए उसको मैं भेजूंगा इंटरनेट पे। कोई ऐसा फ्री API या कोई ऐसा डेटाबेस, कोई ऐसा सर्वर हम तलाश कर लेते हैं जो मुझे वेदर का डेटा दे दे, तो उसको हम कॉल करते हैं और वहाँ से अपना वेदर का डेटा मंगवाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, ये कैलकुलेट परसेंटेज वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, सबमिट का फंक्शन मुझे चाहिए। अब सबमिट के फंक्शन में मैंने कहा सिटी नेम को लेकर आओ, कहाँ से लेकर आओ, सिटी नेम वाले इनपुट से उठा के लाओ। अब ये मेरे पास सिटी का क्या आ गया, नाम आ गया, ठीक है। अब सिटी का नाम तो आ गया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, टू डू अब मुझे काम ये करना है कि मुझे वेदर का डेटा गेट करना है इस सिटी को लेकर। अच्छा, ये नीचे की चीज़ें सारी उड़ा देता हूँ मैं। अच्छा, पहले तो सिटी का नाम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं कि सिटी का नाम पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ इतने को, ताकि हमें पता भी चल जाए कि कोड अभी किस तरह का हो चुका है हमारे पास। हमारे पास जो ऐप है राइट नाउ वो कुछ इस तरह की बन चुकी है। ऊपर हेडिंग है जावा स्क्रिप्ट वेदर ऐप, यहाँ पे मैं कराची लिखता हूँ और गेट वेदर का बटन दबाता हूँ तो ये कंसोल हो जाता है कि भाई अभी हमने कराची जो लिखा था बंदे ने वो पकड़ लिया। अब इस कराची जो हमने पकड़ा है कराची, इसको मुझे कहाँ भेजना है, अब इसको मुझे भेजना है सर्वर पर, किसी ऐसे सर्वर पर। कोई सर्वर पहले तो ढूंढते हैं हम, लिखते हैं फ्री वेदर API, ठीक है। कोई ऐसी API जो हमें सबसे पहले नंबर पे ये आया है, ओपन वेदर मैप डॉट ऑर्ग, ठीक है। ओपन वेदर मैप में ज़रा चलते हैं क्या रिपोर्ट है यहाँ की।
अच्छा, प्राइसिंग में जाते हैं, ठीक है, प्राइसिंग में, क्योंकि इनकी बहुत सारी APIs हैं, एक दो फ्री है, बाकी पैसे वाली है, तो मैं प्राइसिंग के सेक्शन में चला जाता हूँ, जो फ्री वाली है ना उसी को ही कॉल करूँगा मैं, किसी और को नहीं करूँगा। अरे जा भाई, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ये आ गया। इसमें इनकी जो करंट वेदर है और 5 दिन का जो फोरकास्ट है, ये दो इनका जो है वो फ्री है, ठीक है। तो करंट वेदर पे मैं क्लिक करके करंट वेदर वाले में चला गया। इन्होंने बोला भाई ये हमारा URL है, इस URL पे आप रिक्वेस्ट भेजो कि आपको वेदर का डेटा मिल जाएगा। तो मैंने इसको कॉपी किया वेदर के URL को, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके ये URL मैंने तैयार कर लिया। अब मसला ये है कि इस URL, ये URL तो मुझे पता चल गया कि इसको हिट करूँगा तो मुझे वेदर का डेटा मिल जाएगा, लेकिन अब इसको मैं करूँ कैसे, क्योंकि इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजने में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कैसे भेजी जाती है इंटरनेट पर रिक्वेस्ट। मेरी वेब एप्लीकेशन सामने खुली हुई है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है मेरी। इस एप्लीकेशन से जब मैं इंटरनेट पर कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मैं कैसे भेजता हूँ? 7 लेयर्स होती हैं, कंप्यूटर साइंस अगर किसी ने पढ़ी है थोड़ी बहुत, 7 लेयर्स होती हैं ना इंटरनेट की। सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? वेल, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको ये जो API है ना, जो ये इस डेटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करना होगा। तारों में से तो 0 1 गुजरता है सिर्फ, जो तार होती है इंटरनेट की उसमें से क्या गुजरता है? 0 1। तो इस डेटा को आपको ना 0 1 में कन्वर्ट करना होगा इंटरनेट पे, अगर आप इसको भेजना चाहते हैं किसी भी जगह। और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी किस में आएगा? 0 1 में आएगा। और उसको 0 1 को वापस आपको डेटा में कन्वर्ट करना होगा। सही है, वो 7 लेयर वाली है, पूरी डेफिनेशन है, जिन लोगों ने वो थोड़ी बहुत पढ़ी है यूनिवर्सिटी वो उनको पता होगा, नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। 7 नेटवर्क लेयर होती है ना, ट्रांसपोर्ट और पता नहीं हार्डवेयर और पता नहीं क्या, ऐसी लंबी करते हैं बिला वजह, ठीक है। शॉर्ट बात यही है कि कहीं पर भी इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो उसको क्या करना होता है, तारों में से 0 1 के अलावा तो कुछ। अच्छा, 0 1 बाई दफे तारों में जाता कैसे? ऑन ऑफ से होता है, सही है। 0 1 तारों में कैसे जाता है? ऑन ऑफ होता है। ये हमने बाइनरी जब पढ़ा था ये हमने शायद डिस्कस किया होगा उस वक्त। चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट बेसिकली काम कैसे करता है ये मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, जिससे तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इमेजिन करो कि मैं बैटल फील्ड में हूँ, इमेजिन करो कि मैं बैटल फील्ड में हूँ, मोर्चे बने हुए दूर दूर। अब मुझे क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी है एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में, कम्युनिकेशन करनी है मुझे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बल्ब लगा दिया सामने वाली पार्टी के ना मोर्चे में, एक बल्ब लगा दिया मैंने, और उसका स्विच मैंने अपने पास रखा यहाँ पर, सही है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर मैं इस बल्ब को एक दफ़ा ऑन ऑफ करूँ तो इसका ये मतलब है, 2 दफ़ा करूँ तो ये मतलब है, 3 दफ़ा करूँ तो ये मतलब है, मैंने एक लिस्ट बना दी पूरी, सही है। मैंने क्या बना दी, एक लिस्ट बना दी। अच्छा, अब मुझे जब भी कम्युनिकेट करना होता है तो मैं बल्ब को टक 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 प्रेस करता हूँ, वहाँ पे बल्ब ऑन ऑफ होता है, वहाँ एक बंदा बैठा है जो उसको हर वक्त देख रहा है और मेरा मैसेज कन्वे हो जाता है। दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इंटरनेट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि एक मोर्चे में बैठ के एक बंदा बल्ब को ऑन ऑफ कर रहा है और सामने वाले मोर्चे में उसको बंदा एक बैठ के देख रहा है कि ये क्या ऑन ऑफ हो रहा है। ये वन वे कम्युनिकेशन हो गई, वापस मैसेज मुझे रिस्पॉन्स मिलना है, वो कैसे मिलेगा? एक बल्ब यहाँ लगा दिया, उसका स्विच वहाँ है, उसने देखा वो जल वो होता, सवाल पहुँच गया वहाँ तक उसका, मेरा मैसेज कन्वे हो गया, उसको जवाब देना है, वो अपने पास से बटन दबाएगा, यहाँ बल्ब जलेगा, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। यही है इंटरनेट। अब एक क्वेश्चन है कि यार ये ऐसे, अच्छा ये जो ऑन ऑफ हो रहा है ना, ये 0 और 1 है, ये ऑन ऑफ जो हो रहा है यही 0 और 1 है, ठीक है। इंटरनेट के अंदर वोल्टेज बहुत कम होता है, बल्ब में जाहिर है 220 वोल्ट होगा, इसमें इंटरनेट में वोल्टेज बहुत कम होता है, लेकिन यही काम हो रहा होता है। आपने अगर इंटरनेट की जो तार लगी हुई होती है कंप्यूटर की, उसको देखो, वो बत्ती जैसे खुलबन हो रही होती है, वो वही 0 और 1 होते हैं, वो बाय द वे एक्चुअल तो नहीं होता, वो असल में एनिमेशन होता है, वरना तो वो डेटा ब्रीच हो जाएगा ना, वहाँ से तो चोरी हो जाएगा डेटा कि भाई ऑन ऑफ हो रहा है तो, ठीक है।
ठीक है, वो डेटा ब्रीच नहीं होता, असल में एनिमेशन होती है जो हल्की हल्की ऊपर नीचे होती रहती है ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि कितना डेटा रेट क्या है डेटा में। अच्छा, हम बाइनरी पढ़ चुके हैं, हम बाइनरी पढ़ चुके हैं ना, अब मुझे एक नंबर भेजना है 67, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा बाय द वे, बाइनरी पे जाने से पहले ये जो प्रिजनर्स होते हैं ना ये इस तरह बात भी करते हैं आपस में एक दूसरे से, पता है वो लोहे का क्योंकि होता है केज आमतौर पे जेलें वगैरह, तो वो एक कोई चीज़ पकड़ देते हैं भारी प्लेट चम्मच वगैरह और उससे ना वो डन 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 बजाते हैं लोहे को और वो एक दूसरे से बात करते हैं इस कोड वर्ल्ड में। इसकी एक लैंग्वेज है, उसको उसका बड़ा अच्छा नाम है मोर्स कोड, ठीक है। ये बाइनरी तो अभी बहुत टेक्निकल है ना, कंप्यूटर साइंस की बात है, ये मैं आपको मोर्स कोड दिखाता हूँ क्या होता है। ये है मोर्स कोड कि एक दफा शॉर्ट और एक दफा लॉन्ग अगर मैं वो करता हूँ तो इसका मतलब है ए, फिर इसका मतलब है बी। ये जो एयरफोर्स वाले होते हैं उनको ये याद करवाया जाता है, मतलब एयरफोर्स जो आमतौर पे, अच्छा पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मुझे अमेरिका वगैरह का पता है, याद करवाया जाता है ये मोर्स कोड। हाँ हाँ अच्छा सॉरी हाँ जी जी हाँ लो लेवल पे आएंगे। हाँ रडार पे तो एक खास एल्टीट्यूड से ऊपर होगा जब ही आएगा वो, दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो मोर्स कोड होता है ना ये असल में तो एयरफोर्स वाले बड़ा यूज़ करते हैं इसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब मिसाल के तौर पे दो फाइटर अगर साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए तो वो पीछे टेल पे लाइट होती है उसको वो जल बुक करके ना आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। वो एक मूवी है बड़ी अच्छी, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये शायद नाम है उसका, उसमें वो कुछ एक हाईजैक हो जाता है जहाज वगैरह, हॉलीवुड की मूवी है, तो उसमें वो कमांडोज भेजते हैं जहाज के अंदर, चलते हुए जहाज में कमांडोज को एंटर करवाते हैं, तो उनको लेकिन ये श्योर नहीं होता कि वो चले गए या गिर गए मर गए क्या हुआ, तो वो पीछे फाइटर आके उसको उड़ाने वाले होते हैं उस जहाज को कि ये हाईजैक हो गया अब ये कुछ भी करेंगे, तो वो फिर टेल लाइट को ना वो ऑन ऑफ करके पीछे फाइटर से कम्युनिकेट करते हैं, अपना कोड नंबर बताते हैं बैच नंबर कि हम मौजूद हैं अंदर। तो ये मोर्स कोड के बड़े यूज़ केसेस हैं, ये प्रिजनर्स भी इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है और ये आर्मी में मिलिट्री में ये लोगों को याद होता है ज़ुबानी। ये तो ऐसे मुश्किल सा लग रहा है ना, मतलब मेरे तो समझ में भी नहीं आता था पहले कि ये है क्या। हाँ एक जो एक एस्केप प्लान करके एक मूवी है उसमें भी ये इसका जिक्र है, तो जब बहुत सारी मूवीज़ में इसका जिक्र आया ना तो मैंने एक दिन कर ही लिया गूगल, मैंने कहा देखूँ तो सही है क्या, तो इस पर लोगों ने बड़ी लंबी लंबी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई हुई हैं कि ये कैसे सीखते हैं क्या होता है मतलब, तो मुझे इसलिए बताइए मूवीज़ से, मूवीज़ की बरकत से। अच्छा तो एक तो ये हो गया कि मैं दो मोर्चे में बैठा हूँ ना तो मैं मोर्स कोड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बल्ब ऑन ऑफ करूँगा मोर्स कोड में, लेकिन इंटरनेट पे ये बाइनरी से होता है। अच्छा मुझे क्या भेजना है 67, तो 67 को अगर मुझे तारों से ट्रैवल करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये ऐसे करूँगा, मतलब इतने वाले को देखें आप उसको छोड़ दें, ठीक है। मैं क्या करूँगा, टाइम सेट होता है, क्या होता है टाइम सेट होता है कि एक सेकंड जो है हर सेकंड एक बिट है मिसाल के तौर पर, तो एक सेकंड तक मैं लाइट को ऑन रखूँगा, फिर चार सेकंड तक मैं लाइट को बंद रखूँगा, फिर दो सेकंड तक मैं ऑन रखूँगा, तो ये एक डेटा ट्रांसफ़र हो गया क्या 67। अब एक 67 के लिए ये कोड है इतना लंबा,
अच्छा फिर मुझे अगर मल्टीपल नंबर करवाने हैं तो फिर मल्टीपल नंबर ऐसे करूँगा, फिर बिट खत्म कहाँ हो रहा है, बिट शुरू कहाँ हो रहा है, उसका पोर्ट एक अलग होता है। दिस इज हाउ डेटा ट्रांसफर थ्रू द वायर इन आवर इंटरनेट कनेक्शंस। तो आपको अगर कोई भी डेटा इंटरनेट पे भेजना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बाइनरी बना के उसको देना पड़ेगा राउटर को, और ये काम राउटर करेगा कि कितनी देर तक बल्ब को ऑन रखना है, कितनी देर तक ऑफ रखना है, ये राउटर का काम, ये हमारा काम नहीं है। सॉफ्टवेयर लेवल पे हमें ये बाइनरी उसको एटलीस्ट बना के देनी होती है, आगे का काम फिर वो खुद करता है, सही है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा भेजना है ना इंटरनेट पर, इसके लिए मुझे वो बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाया हूँ, हाँ बना सकते हैं खुद भी, लेकिन किसी ने लाइब्रेरी लिखी भी है, उसने अपने दिन रात एक करके किया हुआ हमारा काम, तो हम बजाय खुद मेहनत करने के हम उसकी लाइब्रेरी को कॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं जल्दी से, हम टाइम से थोड़ा सा ऊपर भी आ गए आज। तो मैंने कहा एक्सियोस, ठीक है, ये एक्सियोस की हम लाइब्रेरी पे आ गए। अच्छा जाहिर है इनका एक जो है ना वो एक जावास्क्रिप्ट की इनकी एक फाइल है, वो हमें अपने पास क्या करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी जब भी वो फंक्शन हमारे पास आएगा, राइट। जावास्क्रिप्ट की अगर दो तीन फाइल हो तो उसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं ना। तो ये इनकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई है, उसको हम क्या करते हैं अपने पास अटैच कर लेते हैं यहाँ टॉप पे। मैंने कहा भाई ये आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई, इसको अगर कंट्रोल क्लिक करूँगा मैं तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ कि इस फाइल में क्या है। ये है इस फाइल की जावास्क्रिप्ट, ये मिनीफाइड फॉर्मेट है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट ही जो होती है, ठीक है। अगर इसमें से मैं मिन हटा दूंगा ना तो वो ये खुल के, ये मिन हटा दूंगा ना इसमें से तो ये सेट भी हो जाएगी। हाँ ये है इनकी असल जावास्क्रिप्ट की फाइल, देख रहे हो कितने सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। तो हमने इसमें से एक फंक्शन यूज़ करना है जिसका नाम है गेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके मैं बोलूँगा एक्सियोस डॉट गेट। ये एक्सियोस मुझे कहाँ से मिला, ये जो अटैच किया ना ऊपर वहाँ से मिला है मुझे, और उसमें ये यूआरएल पूरा लगा दूंगा मैं। मैंने कट किया और ये यूआरएल यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया मैंने, सही है। ओपन वेदर एपीआई दिस दिस दिस, उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मांग रहे हैं ना ये। अब हम मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, मैंने कहा क्यू, क्यू इक्वल्स टू, अच्छा ये क्यू मुझे कैसे पता चला, वहीं पे एपीआई के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था ना क्यू, ये दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ था। इसने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे सकते हैं आप, और आप इसको क्या दे सकते हैं, क्यू भी दे सकते हैं, वो इन्होंने पता नहीं कहाँ लिखा है, बहरहाल वेल। अच्छा उसके बाद एपीआई की आपको डालनी पड़ेगी, एपीआई की जो है वो यहाँ पर से आपको अपने अकाउंट में से जाके मिलती है एपीआई की। यू नीड टू साइन इन, ओके साइन इन कर लेते हैं भाई, ये लो साइन इन कर लिया। अच्छा ये मेरी एपीआई की जो है ना मौजूद है यहाँ पे, इसको मैं क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने इस जगह पे एपीआई की आके इसको पास करनी है, ठीक है। एपीआई की दे दी मैंने, और क्यू इक्वल्स टू करके इसको बैक टिक में नहीं रखा ना मैंने, हाँ जब भी तो टेम्पलेट काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये ना सी डी नेम, सही समझ आ रहा है। ये यू आर एल जो था इसमें से मैंने क्या कर दिया, बीच में जहाँ पे सिटी नेम लिखा हुआ था ना वहाँ पे मैंने अपना टेम्पलेट लगा दिया, गया यूज़र ने इनपुट बॉक्स में जो लिखा था उसको यहाँ ला के रख दो, और आगे एपीआई की लगा दी, जो जाहिर है उसमें साइन इन करना पड़ता है, जो फ्री नहीं है वो एक सर्टन लेवल तक फ्री, उसके बाद पेड है, तो इसलिए मुझे साइन अप करना पड़ता है। अच्छा ये एक्सियोस डॉट गेट मुझे कैसे पता चला कि इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन मौजूद है, वो इस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था। देख रहे हैं एग्जाम्पल इन्होंने बना के बताया हुआ है कि ये लाइब्रेरी काम कैसे करती है। ओहो कहाँ गया एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है। ये एग्जाम्पल इन्होंने बना के बताया हुआ है कि एक्सियोस डॉट गेट जो है वो काम कैसे करता है, तो मैं इस एग्जाम्पल को ही कॉपी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल को कॉपी करके यहाँ लगे मैंने पेस्ट कर दिया, ये पहली लाइन तो मैं लिख चुका हूँ, बाकी का मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है, शॉर्ट कर लिया थोड़ा कोड मैंने, सही है जी। ये लाइब्रेरी मैंने क्या कर दी, लाइब्रेरी का फंक्शन जैसे उन्होंने बताया था वैसे कॉल कर लिया। हमेशा लाइब्रेरी जो होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल कैसे करना है। हमने एक लाइब्रेरी और भी देखी थी मैथ वाली। अच्छा अब होगा क्या, ये इसको गेट करेगा इंटरनेट से इस डेटा को जो हमने एपीआई लिखी है, वहाँ जाएगा उस सर्वर पे, वहाँ से कौन सा डेटा लाएगा, कराची के वेदर का डेटा लाएगा या जो भी हमने सिटी का नाम लिखा होगा, और ला के कॉन्सोल पे प्रिंट करवा देगा। तो मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट
डेटा को प्रिंट करवाओ कंसोल पे। अच्छा, इसको ये स्क्रीन पे अभी तक हमने प्रिंट नहीं करवाया फिलहाल के लिए, अभी सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करवाया है, और आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। इसको रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे नाम लिखा कराची और गेट वेदर का बटन दबाया। गेट वेदर का बटन जैसे ही दबाया ना, ये डेटा मेरे पास आ गया वेदर का, ठीक है। कराची लिखा तो मैंने उसमें, अच्छा टेम्परेचर बता रहा है ये 304, क्योंकि ये केल्विन में बता रहा है। इसमें एक चीज़ और थी यहाँ पे, वो यूनिट कौन सी यूनिट में चाहिए ना, वो भी इसको बताना पड़ता है, ठीक है। यूनिट्स, यूनिट्स इक्वल टू मुझे मैट्रिक देना पड़ेगा इसको, तो फिर मुझे जाके ना ये सेंटीग्रेड वाला वेदर देगा। मैंने कहा कि एंड इक्वल्स टू मैट्रिक, अब मुझे ये क्या देगा, मैट्रिक वाला मुझे डेटा देगा ये। पहले वो जो मुझे इम्पीरियल वाला दे रहा था, पता नहीं कौन सा दे रहा था, कराची गेट वेदर, गेट वेदर इस वक्त क्या है भाई, टेम्परेचर 27.9 है, ठीक है, सही है, 27.9, 28 ऑलमोस्ट सही दे रही है। अच्छा, लाहौर गेट वेदर, अब ये लाहौर का जो उसने मुझे वेदर दिया है वो इस वक्त क्या है, 31.99 है, ऑलमोस्ट 32 है, ठीक है। इसी तरह मैंने उसको बोला कनाडा में इस वक्त क्या है भाई, तो इसने मुझे क्या बताया, कनाडा में इस वक्त 31.25 है। कोई ऐसी जगह बताओ जो ठंडी हो, सर्बिया, अच्छा सर्बिया वायरल मैंने लिखा है, अच्छा सर्बिया में भी 28 चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है भाई ये तो। मरी की स्पेलिंग एम ए आ रही है, एम यू आर डबल ई, ये जी बस दो मिनट, डबल आर आई, डबल आर डबल ई, हाँ अब आ गया मेन। इस वक्त है 20.14 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज, हमने ये सीखा कि हम किसी लाइब्रेरी को अपने कोड में कैसे शामिल कर सकते हैं। हमने आज पहली लाइब्रेरी पढ़ ली है, इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम बहुत सारी दूसरी लाइब्रेरीज का भी इस्तेमाल करेंगे जिस जिस की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने एक वेदर ऐप बनाना सीखी है, लेकिन उस वेदर ऐप से जो डेटा आता है ये हमने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह का डेटा होता है। ये जेसन डेटा है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स है, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक एक रिमेनिंग है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और फिर इस डेटा को स्क्रीन पे कैसे लाना है वो भी हम देखेंगे, और एट द एंड हमारे पास एक अच्छी सी वेदर एप्लीकेशन होगी। उसके बाद एक टास्क होगा आपके लिए कि आपको नमाज टाइमिंग की एप्लीकेशन बनानी होगी, बिल्कुल सेम यही है वो भी। कराची का सिटी का नाम लिखेंगे, API कॉल करेंगे, नमाज की टाइमिंग आ जाएगी, उसको आप डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन, ठीक है। तो वेदर ऐप मैं बना के दिखाऊंगा, नमाज की टाइमिंग की ऐप आप बनाएंगे, API मैं आपको तलाश करके दूंगा कि कहाँ से टाइमिंग मिलती है इंटरनेट से, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, आप सब लोग नमाज पढ़ने चले जाएंगे, हाँ ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम सर्वर पढ़ेंगे जी। कोड पुश कर दिया मैंने गिटहब में, कर दूंगा अभी कोड दिखा दूँ, ये लो दिखा दिया।